Happy birthday, baby. ओके सो गाइस यार कैसे हो यार आप लोग, आई होप कि बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया रहे ना। तो यार आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाला हूँ कि यार आप इस टाइप का बर्थडे स्पेशल वीडियो आप कैसे बना सकते हो। तो यार यहाँ पे आपको बस चार फोटो की जरूरत पड़ेगी इस वीडियो को बनाने के लिए। तो यार इस टाइप का वीडियो बना के आप किसी को भी सेलिब्रेट वगैरह कर सकते हो, काफी अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अजय, आप देख रहे हो टेक्निकल बॉय अजय यूट्यूब चैनल। एक लाइक कर दे एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार आपको यहाँ पे न्यू न्यू वीडियो डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस यहां से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो यार यहां से हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर VNF को ओपन कर लेते हैं। ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आपको वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। तो यार नीचे ऑप्शन शो कर एक प्लस का आइकन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन होके आ जाएगी। तो गाइस यार यहाँ पे आपको एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा, फर्स्ट वाला। तो चलिए गाइस यार उस वीडियो को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस यार यहाँ पे वीडियो आ गया है। तो गाइस यार फर्स्ट में आपको ये वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा, आपको इधर आ जाना होगा। लास्ट में VNF का यहाँ पे वाटरमार्क शो करेगा ब्लैक लेयर, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देना। करने के बाद गाइस यार यहाँ पे जो VNF का वाटरमार्क आएगा यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। तो गाइस यार यहाँ पे लास्ट में शो करेगा प्लस का आइकन, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। साइड में शो कर वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो गाइस यार वीडियो के बगल में ऑप्शन शो कर फोटो का, यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। तो यहाँ पे आपको चार फोटो लगभग सिलेक्ट कर लेना होगा। चलिए गाइस यार यहाँ पे हम चार फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस यार यहाँ पे हम चार फोटो को सिलेक्ट कर लिए हैं। करने के बाद गाइस यार अगर आपका फोटो का साइज यहाँ पे छोटा बड़ा होगा तो गाइस यार यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ओरिजिनल का, यहाँ ऑप्शन शो कर, फिर यहाँ से आपको 9 और 16 वाला फ्रेम सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस यार यहाँ पे आपका फोटो का साइज 9 और 16 वाला फ्रेम में हो जाएगा। तो गाइस यार इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम साउंड को लेंगे। तो उसको लेने के लिए देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है टेप टू एड म्यूजिक, इस पे आपको टिक कर देना होगा। तो यहाँ पे साइड में शो करेगा म्यूजिक का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो गाइस यार ऊपर ही ऑप्शन एक शो करेगा प्लस का, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो चलिए गाइस यार यहाँ से उस वाले वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यार जब वीडियो आप सिलेक्ट करोगे तो गाइस यार यहाँ पे उसका म्यूजिक कट के आ जाएगा। तो गाइस यार ऊपर ही आ जाएगा, तो चूस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। करने के बाद नीचे ऑप्शन शो करेगा सही का, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो गाइस यार देख सकते हो यहाँ पे साउंड भी एड हो गया है। तो गाइस यार अब आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके देखना है कि गाइस यार कहाँ कहाँ पे बीट आ रहा है। तो गाइस यार बीट के हिसाब से फोटो में हम कट को लगाएंगे। तो यार फर्स्ट फोटो पे आप टिक करेंगे, इसका लेंथ आपका रहेगा 2 सेकंड। तो गाइस यार इस लेंथ को आपको यहाँ पे खिसका के तो आपको यहाँ पे 2 सेकंड के पास कर देना होगा। गाइस यार यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सेकंड यहाँ पे लिखा है। तो गाइस यार सेकंड वाले फोटो पे टिक करेंगे। गाइस यार इसका लेंथ आपको कुछ इस तरीके से पकड़ के 2.75 सेकंड तक कर देना होगा। गाइस यार थोड़ा सा ही कम करेंगे। तो गाइस यार बस इतना ही आपको करना है, आपको इधर आ जाना होगा। लास्ट में गाइस यार इस वाले पिक्चर पे आप टिक करेंगे, इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा कम कर देना होगा। यहाँ पे म्यूजिक का लेयर एंड गाइस फोटो का लेयर सेम हो जाएगा। तो आपको इधर आ जाना होगा शुरू में, जहाँ पे आपका फर्स्ट वाला फोटो स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस यार इस पे आपको टिक करना होगा। तो नीचे आपसे शो करेगा इफेक्ट्स का, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। करने के बाद गाइस यार फोटो में कुछ इस तरीके से पकड़ के आपको आ जाना होगा शुरू में। आ जाने के बाद गाइस यार इधर आपको कुछ इस प्रकार से स्लाइड करना है। तो यहाँ पे एक से एक एनिमेशन खुल के आ जाएगा। तो गाइस यार यहाँ पे हम जूम आउट वाला एनिमेशन को लगाएंगे, इसका लेंथ आपको लास्ट तक कर देना होगा। देन गाइस यार नीचे आपसे शो करेगा सही का, इस पे आपको टिक कर देना होगा। तो गाइस यार यहाँ से आपको वीडियो को अगर प्ले करके देखेंगे तो गाइस यार देख सकते हो ये वाला इफेक्ट लगाने के बाद वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस यार सेकंड वाले फोटो पे आपको टिक करना होगा, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। अब कोई इधर आ जाना होगा शुरू में। आ जाने के बाद गाइस यार यहाँ पे शो करेगा फ्लैश वाला इफेक्ट, इस पे आपको टिक कर देना होगा। करने के बाद गाइस यार इसका लेंथ आपको 1 सेकंड तक कर देना होगा। देन गाइस सही वाला ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो गाइस यार दो फोटो में इधर इफेक्ट लग गया, तीसरा नंबर वाले फोटो पे टिक करेंगे, इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यार इसमें हम एक्सपेंड वाला एनिमेशन को लगाएंगे, तो इस पे आपको टिक करना होगा। गाइस यार इसका लेंथ कुछ इस तरीके से पकड़ के आपको 1 सेकंड तक कर देना होगा। देन गाइस सही वाला ऑप्शन पे टिक करेंगे, फिर से आपको लास्ट वाला पिक्चर पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स पे क्लिक करना होगा। तो गाइस यार आपको जो अच्छा लगे वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो गाइस यार चारों फोटो में हम एनिमेशन को ऐड कर दिए हैं। करने के बाद गाइस आपको सेकंड वाले पिक्चर पे टिक करना होगा। इधर आप स्लाइड करेंगे तो गाइस यार यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा जूम का, इस पे आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा मूव लेफ्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। देन गाइस सही वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यार यहाँ से अगर आप अपना वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो गाइस यार यहाँ पे आपका फोटो मूव होने लगेगा, जो कि गाइस यार ये वाला फीचर काफी जबरदस्त है। तो गाइस यार उसके नेक्स्ट वाले पिक्चर पे टिक करेंगे, जूम पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस यार आपकी बार यहाँ पे आपको मूव राइट कर देना होगा। देन गाइस सही वाला ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो गाइस यार यहाँ पे एक फोटो आपका लेफ्ट में मूव करेगा एंड गाइस एक फोटो राइट में। तो गाइस यार कुछ इस प्रकार से आपको जूम वाला इफेक्ट को लगा देना होगा। तो लीजिए गाइस यार इतना भी काम हो गया। तो गाइस यार अगर आप यहाँ से वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो गाइस यार देख सकते हो यहाँ पे सभी फोटो बिट के हिसाब से चेंज भी हो रहा है एंड गाइस मूव भी हो रहा है।
तो यार इतना काम हो जाने के बाद यहाँ पे अब हम टेम्पलेट को लेंगे। तो गाइस यार टेम्पलेट को लेने के लिए आपका जहाँ से फर्स्ट वाला फोटो स्टार्ट हो रहा है आपको यहाँ पे आ जाना होगा। तो गाइस यार यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा टैप टू एड स्टिकर, इस पे आपको टिक कर देना होगा। एंड गाइस वीडियो वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो गाइस यार टेम्पलेट का हम लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो चलिए गाइस यार यहाँ से टेम्पलेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस यार टेम्पलेट भी यहाँ पे आ गया। तो गाइस यार कुछ इस तरीके से पकड़ के टेम्पलेट का यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर देना होगा। देन गाइस यार इस टेम्पलेट का ऑडियो यहाँ पे हम म्यूट करेंगे। तो गाइस यार इधर ऑप्शन शो करेगा एक म्यूजिक का, इस पे आपको टिक करके इसका ऑडियो आप म्यूट कर लेना। तो गाइस यार टेम्पलेट पे हम टिक करेंगे, टिक करने के बाद गाइस यार इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा। तो स्लाइड करेंगे तो एक ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे ब्लेंडिंग का, इस पे आपको टिक कर देना होगा। तो गाइस यार यहाँ पे आपको स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना होगा एंड गाइस सही वाला ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो गाइस यार यहाँ पे आपका टेम्पलेट पूरी तरीके से लग जाएगा। तो गाइस यार यहाँ से अगर आप अपना वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो गाइस यार देख सकते हो टेम्पलेट लगने के बाद वीडियो यहाँ पे और भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस यार इस स्टेप को फॉलो करके आप इस टाइप का आसान तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हो। तो गाइस यार इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के ऊपर ऑप्शन शो करेगा एक्सपोर्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस सबसे नीचे ऑप्शन शो करेगा सही का, इस पे आपको टिक कर देना होगा। करने के बाद गाइस यार थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट कर लेंगे तो ये वीडियो आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। तो गाइस यार ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट में आप जरूर बताना। एंड गाइस चैनल पे नए विजिट को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय।